डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर शंकर सिंह वर्चुअल क्लासेस में। आज हमारे पास एक केस है गोट का, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये पड़ी हुई है। आजकल जब से विंटर स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं कि ये केस ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रहा है और हर दिन हमारे क्लिनिक्स में एक या दो पेशेंट आता है जो इस फॉर्म में आता है। ये जो बीमारी है उसी से एक बीमारी होती है और ये जनरली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि विंटर सीजन में होता है, क्योंकि कोल्ड इनरिचमेंट उसके लिए जो बैक्टीरिया है उसके लिए कोल्ड इनरिचमेंट का आवश्यकता होता है। तो अक्सर जब विंटर स्टार्ट होता है तो हम लोग ये प्रेजेंटेशन अपने क्लिनिक्स में पाते हैं। लिस्टेरियोसिस जो होता है खास करके गोट में, ये असेंडिंग होता है। असेंडिंग का मतलब ये है, दो तरह का होता है, एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिस्टेमिक होगा जिसमें जनरलाइज सिम्टम्स आते हैं, एक लोकलाइज होता है। तो यहाँ हमारे पास जो भी गोट आती हैं वो लोकलाइज फॉर्म वाली आती हैं। इसका मतलब ये है कि ओरल कैविटी से जो नर्व्स हैं उसके थ्रू वो असेंड होकर के ब्रेन को जाता है। तो जब भी ये गोट चरने के लिए जाती हैं या फील्ड में जाती हैं तो थोड़ा सा ओरल एब्रेजन होता है और उस समय बैक्टीरियल ओरल एब्रेजन के बाद कंटामिनेशन या इंजेशन होता है, तो ट्राइजेमिनल नर्व या डिफरेंट नर्व से जा करके ब्रेन को चला जाता है और फिर वहाँ पर मरीज जो इंसेफ्लाइटिस करता है। तो जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे कि इसमें आपको सर्कलिंग मिलेगा और इसका टिपिकल जो प्रेजेंटेशन है वो यूनिलैटरल पैरालिसिस का है। बाकी के डिजीजेज और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज जो होती हैं उसमें यूनिलैटरलिटी नहीं आती है। तो इसमें एक ही साइड का जो पार्ट है, या तो फेशियल पैरालिसिस होगा, हाथ का पैरालिसिस होगा या कान ड्रॉप हो जाएगा, उस साइड का ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है और जिस साइड में पैरालिसिस होती है उस साइड में सर्कलिंग भी होती है। तो छोटा सर्किल बनाता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो नहीं है। अक्सर जो गोट है वो पैडल करके रहते हैं, मतलब कि पैरों को चलाते रहते हैं। तो इस फॉर्म में अगर आ जाए तो न्यूरोलॉजिकल, हमारे पास ऑनर भी हैं इसके गोट के, तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या हुआ था पहले। ये हुआ था, चल रही थी बढ़िया और हम चलती थी, चलती थे ये एकदम चक्कर खाई, जैसे चक्कर खाई गोल गोल घूमती थी, गोल गोल घूमती थी, खिलाने लगी, खिलाने लगी, खिलाने लगी। फिर कितने दिनों तक चक्कर खाती रही? कम से कम दो दिन तक, दो दिन तक चक्कर खाती रही, गोल गोल घूमती थी और खिला रही। फिर मैंने क्या, कोई मेरी परेशानी है, फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में फिजिकल भी दवाई फवाई करवाई, कोई फ़ायदा नहीं पाया। फिर मैं बड़े हॉस्पिटल लेके आया था। तो यहाँ पे अब आज आप लेके आए तीसरे चौथे दिन, ये बता रहे हैं जैसे कि आज तीसरा चौथा दिन है। तो इसमें सिस्टेमिक रिएक्शन, अगर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो होते हैं वो अर्ली स्टेज में होते हैं, लेकिन वो तब होंगे जब वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे लोकलाइज की, यानी कि जो असेंडिंग इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें जो साइन भी हमें मिल रहे हैं, टिपिकल जो साइन होता है, अगर आप लिस्टेरियोसिस की बात करेंगे तो मैंने बताया कि यूनिलैटरल पैरालिसिस होगी, यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ ही साथ एंटेरियर चैम्बर ऑफ आई में पस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोपियन। हाइपोपियन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो हाइपोपियन का मतलब होता है एंटेरियर चैम्बर ऑफ आई में पस। ये टिपिकल इंडिकेटर होता है कि इस गोट को लिस्टेरियोसिस है, इस गोट में हाइपोपियन बन रहा है और ये डे थर्ड है। मैं इसलिए दिन पूछ रहा था कि जितना अर्ली आप ट्रीट इसे करेंगे उतना जल्दी ठीक होने के चांसेस रहते हैं। अभी लेटर स्टेज है, यहाँ हम एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी भी करेंगे तो भी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट जो बेस्ट है हम अभी ट्रीटमेंट में बताएंगे कि हम लोगों ने कैसे इसे अप्रोच लिया है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं। अभी डायग्नोसिस में अगर आप देखें तो आप आई में देख, टिपिकली हॉरिजेंटल निस्टेगमस हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि मेनिंजियल इंसेफ्लाइटिस या ब्रेन में कोई ना कोई लीजन है। मैं कह रहा था कि आई वन साइडेड इन्वॉल्वमेंट होता है। इधर का अगर आई, आप आई देखेंगे या आईलिड देखेंगे, अपर आईलिड, तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम दूसरे साइड का आई का थोड़ा सा एग्जामिनेशन करते हैं तो ये जो अपर आईलिड है ये ड्रॉप्ड है, ड्रॉप्ड है, यानी कि ये पैरालाइज है, इस साइड से पैरालिसिस है। दूसरा मैं कह रहा था कि इसके आई के इंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में पस है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हट जाओ लाइट आने दो, तो वो वाइट हो रही है, अगर आई पे अगर आप देखोगे तो ये वाइट हो रही है और वो पस को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ अगर आप और क्लोज एग्जामिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अपने गर्दन को आगे की तरफ ट्विस्ट कर रही है, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है किन किन बीमारियों से। तो जो कॉमन बीमारियां हैं
बोर्ड में खास करके पोलियो इंसेफलोमलेसिया होता है, यानी कि वहाँ थायमिन डिफिशियंसी से होता है। तो अगर थायमिन डिफिशियंसी से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, यहाँ पे उसमें भी टेम्परेचर नहीं होगा, इसमें भी टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टेमिक नहीं है, लोकलाइज है लिस्टेरियोसिस, तो यहाँ टेम्परेचर आपको नहीं मिल सकता, इवन सब नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है। पोलियो इंसेफलोमेसिस प्रेशर एक टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें ऑपिस्टोक्ट्रोमास होता है, यानी कि वो अपने गर्दन को ना ऐसे स्ट्रेच करके रखती है, तो वो एक आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इसमें पोलियो इंसेफलोमेलेसिया हो सकता है। या आपको जैसे बता रहे थे कि सर्कलिंग की उस तरह से अर्ली प्रेजेंटेशन और इमीडिएट प्रोग्रेशन उसमें आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक स्ट्रेसोमिस का लार्वा रहता है जो फॉल्स गेट करते हैं, उसमें भी आपको सर्कलिंग और ऑपिस्टोटोनस और इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन स्ट्रेसोमिस का लार्वा जनरली विंटर में नहीं होगा, क्योंकि फ्लाई ही देती है। तो जब फ्लाई का फीडिंग टाइम आता है, यानी कि जब समर स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय इस केस का प्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है। उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अक्सर हम उसके नोस्ट्रिल को स्टिमुलेट करते हैं, किसी घास से या कोई चीज़ लेकर के, या उसको नोस्ट्रिल को मसाज करते हैं, तो वो स्नीज करता है। अगर स्नीज करेगा तो उस समय वहाँ से कभी कभी पैरासाइट जो वर्म का लार्वा है, स्ट्रेसोमिस का जो लार्वा हो, वो बाहर निकल के आता है। तो अगर आपको लार्वा दिखता है देन यू हैव टू कंफर्म दैट कि ये जो है स्ट्रेसोमिस का है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम आते हैं तो इसको आप जैसे हाइपोप्योन हमें मिल गया है, यूनिलैटरल पैरालिसिस है, आँख का पटोसिस हो रहा है, इसमें फेशियल पैरालिसिस भी हो जाती है, ड्रॉप जॉ का जो है ड्रॉपिंग होगा, इस तरह की सिम्टम्स आएंगे तो हम लोग फिर लिस्टेरियोसिस के लिए ट्रीटमेंट भी हो जाए। ट्रीटमेंट इसमें तब तक इफेक्टिव है जब फास्ट आपने एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस प्रेजेंटेड है 4 दिन का है, तो यहाँ पे होप कम है, स्टिल हम लोग बेस्ट करेंगे। मेनिन्जियोइंसेफेलाइटिस होगा तो ब्रेन एडिमा होगा, ब्रेन एडिमा होगा तो हमें उसे ड्रेन आउट करना होगा। तो ब्रेन एडिमा को अगर आपको चेक करना है, उससे पहले हम लोग एंटीबायोटिक्स पे जाएंगे, एग्रेसिव एंटीबायोटिक करते हैं। तो लिस्टेरियोसिस के लिए जो एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है वो प्रोकेन पेनिसिलिन है। आप प्रोकेन पेनिसिलिन या पेनिसिलिन ग्रुप का कोई भी एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, 22,000 पर यूनिट पर केजी बॉडी वेट से देते हैं, BID या TID आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज़ कर सकते हैं, 16.5 mg पर केजी बॉडी वेट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में डाल करके आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रेन एडिमा को टारगेट करना है तो 2 तरीके हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि हम स्टेरॉयड यूज़ कर लें, तो स्टेरॉयड में आप डेक्सामेथासोन हाई डोज में अगर यूज़ करेंगे तो वो ब्रेन एडिमा को राइड ऑफ करता है, यानी 1 mg पर केजी बॉडी वेट से करते हैं तो वो ब्रेन एडिमा को कम करता है। बट स्टेरॉयड के पीछे कंट्रोवर्शियल है, अगर आपने स्टेरॉयड यूज़ किया तो पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, और आप लोग जानते हैं कि लिस्टेरियोसिस जो भी है ये इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन में ही प्रोलिफरेट करता है और बैक्टीरिया जो हो एग्रीवेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेरॉयड अवॉइड करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ब्रेन के इन्फ्लामेशन को अगर हमें रोकना है तो हम नेसाइड्स या कोई इस तरह की चीज़ देंगे, साथ में हम लोग मैनिटोल यूज़ कर सकते हैं। मैनिटोल को जो यूज करने का तरीका है या डोज रेट है, एज ए थम रूल अगर माने तो ये 20% होता है। तो ब्रेन एडिमा के लिए अगर आपको यूज करना है तो 1 ml 1 kg बॉडी वेट के लिए आपको डोमिनेंट्स में, तो अगर मान लीजिए 50-60 किलो की बकरी है तो यहाँ हम 50 से 60 ml देंगे। लेकिन ml इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, जो इम्पॉर्टेंट है वो ड्यूरेशन है। अगर आपने इसे फास्ट चढ़ाया, इमीडिएट जर्र से चढ़ा दिया, आप चाहें तो 2 मिनट में भी 60 ml चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर 2 मिनट में चढ़ाया तो वो इडिमा वाला काम नहीं करेगा, ब्रेन इडिमा को काम नहीं करेगा। तो एटलीस्ट 60 मिनट लगना चाहिए, 1 घंटे तक के चढ़ना चाहिए। तो हम लोग आप देखेंगे कि स्पीड जो है काफ़ी स्लो है, तो ये ब्रेन इडिमा को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसको न्यूरोटॉनिक्स भी सप्लीमेंट करेंगे, जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, तो इसके लिए हम लोग थायमिन, हम लोगों ने लिखा है थायमिन यूज कर लेंगे, और भी आप मल्टीविटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको एड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अर्ली स्टेज में आपको केस मिलता है और आप ट्रीट करते हैं तो होपफुली आप लिस्टेरियोसिस के केस को मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई विल बी हैप्पी टू सी यू अगेन। थैंक यू।